आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री कौशल किशोर आगरा में एडी स्मार्ट सिटी मेट्रो नगर निगम के विकास कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री कौशल किशोर ने सी न्यूज संवाददाता से बात करते हुए बताया कि जल्द ही आगरा की तस्वीर बदल जाएगी। 2024 तक सभी को नल से पानी मिलने लगेगा। केंद्रीय मंत्री ने 2022 में यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। हमारे बीच में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री कौशल किशोर जी मौजूद हैं। कई विभागों को लेकर आगरा में बैठक की, कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। जो आज बैठक की गई है मंत्री जी, किन मुद्दों को लेकर, किन विभागों के साथ? मेट्रो को लेकर के भी हमने बैठक किया और नगर निगम के अधिकारियों के साथ जो है पूरे नगर निगम में जो भी आते हैं, चाहे वो जल संसाधन का हो या रोड का हो, सड़क का हो, सारे लोगों के साथ बैठ करके स्वच्छता मिशन के तहत भी बैठक किया और पूरी जानकारी भी ली है और समयबद्ध तरीके से काम हो, चूँकि स्मार्ट सिटी चुना गया है ये आगरा, और 2023 तक के ये बढ़िया स्मार्ट सिटी बनकर के तैयार हो, इस संबंध में मैंने वार्ता की है और मैं समझ रहा हूँ कि एक सही तरीके से टाइम बाउंड कार्यक्रम यहाँ पे होगा। मंत्री, एक बात देखने में आ रही है कि स्मार्ट सिटी द्वारा तमाम सारे कार्य को किया गया, लेकिन विभागों में तालमेल न होने के चलते एक तब स्मार्ट सिटी काम को पूरा नहीं करता, उसके तुरंत बाद ही उस काम को मेट्रो के द्वारा तोड़ दिया, कहीं ना कहीं बड़े राजस्व का नुकसान हो रहा। इस संबंध में मैंने बात की है कि जो भी काम हो सभी विभागों के साथ बैठ करके तालमेल बनाइए और जो भी काम पूरा करना है एक साथ मिलकर के पूरा करिए, ताकि दोबारा सड़क की खुदाई ना हो और दोबारा पैसे का भी वेस्ट ना हो और सही तरीके से काम हो। पानी को लेकर आगरा के अंदर विकराल समस्या है, गंगा जल भी आया, लेकिन अभी भी तमाम लोगों तक जल पहुँचना बाकी है। पानी की समस्या पहले थी, अब तो काफ़ी दूर से पानी का आगरा वासियों को गंगा का जल पीने को मिल रहा है, ये सौभाग्य की बात है। बाकी जो लोग शेष बचे हैं उनको जल जीवन मिशन के तहत जल्दी ही उनको भी पानी उपलब्ध कराया जाए। घर घर जल पहुंचाने की बात कही गई है, काम भी उस पर शुरू हो गया, तो कब तक लोगों के घर घर पानी पहुंचा? 2024 तक लक्ष्य है घर घर पानी पहुंचाना प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, और ये मिशन पूरा होगा। और कुछ जो बैठके अधिकारियों के साथ की गई है, किन बातों को लेकर खास इसमें चर्चा रही? सभी डेवलपमेंट और विकास को लेकर के चर्चा हुई है और सभी लोग जो है मुस्तैदी से काम करेंगे, समयबद्ध तरीके से काम को पूरा करने का जो है अधिकारियों ने वचन दिया है। सर, चुनाव यूपी के अंदर 22 में होने वाले, तो क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है? फिर से बीजेपी सरकार। वजह क्या है इसकी? काम, विकास, डेवलपमेंट, वही हमारा मुद्दा है। और बाकी सपा बसपा के पास उन्होंने चार चार बार सरकारें चलाई, कोई मुद्दा नहीं, विकास किया नहीं। हमारी सरकार सबको सुविधाएं देने का काम कर रही है, जनता अपने आप नारा लगा रही है, फिर से इस बार बीजेपी सरकार। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री कौशल किशोर जी का कहना है कि विकास कार्यों को रफ्तार के साथ किया जा रहा है, मेट्रो और स्मार्ट सिटी विभाग में तालमेल हो जिससे राजस्व का नुकसान हो। दावा किया गया कि 2022 में फिर से भाजपा की सरकार यूपी में बनेगी। अपने साथी अखिल दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।